सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय को और दबाएं बेल का आइकन और उसे सिलेक्ट करें ऑल पे ताकि आपको हमारी जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे मिंट यानी कि पुदीने पे। तो दोस्तों ये देखिए, मैं पिछले साल मैंने ये बरसात के समय में एक कटिंग लगाई थी मैंने, तो उसके बाद देखिए इसकी ग्रोथ कुछ इतनी निकली। थोड़ा ये सर्दी में है कि इसमें सर्दी में ग्रोथ रुक गई थी जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, और जैसे ही मार्च का टाइम आया नज़दीक उसमें इसने इतनी अच्छी ग्रोथ आई और इतना ग्रीन हमारा प्लांट हो गया है कि दोबारा से गर्मियों के लिए ठंडा ठंडे शरबत या ठंडा ठंडा रायते में पुदीना डालने के लिए हमारा तैयार हो चुका है। हम चाहे हर दूसरे तीसरे दिन इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं और अपने रसोई में ले जाते हैं, और हमें जिस चीज़ में डालना है, चाहे चटनी बना लो चाहे रायते में डाल लो, तो ठंडा ठंडा जो पुदीना है वो हमारे लिए गर्मी के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वाकई में बहुत जो गर्मी होती है उसके लिए पुदीना बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों इसकी देखो कटिंग कैसे लगानी है आपको। ऐसे इसके दो चार पत्ते हटा लेने हैं, जो इसका नोड एरिया होता है यहाँ, यहीं से इसकी जो है कि जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये है नोड एरिया इसका, तो यहीं से इसकी जड़ें निकलेंगी। आप चाहें तो इसे पानी में भी लगा सकते हैं। आप बस इसे यहाँ से नोड एरिया को पानी में डिप कर दीजिए और 3 से 4 दिनों में यहाँ से इसकी जड़ें जो है निकल आए तो आप इसको सॉइल में लगा दीजिए, तो आपका पुदीना तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से लग जाता है पुदीना, कोई इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसे हमें बर्मी कंपोस्ट, इसे हर हफ्ते हम इसे लिक्विड डाल देते हैं तो काफ़ी ग्रीन जो हमारा पुदीना होता है। तो चलिए आपको कुछ कटिंगें दिखाता हूँ जो मैंने अभी 4 दिन पहले ही लगाई हैं। तो ये देखिए, ये कटिंग लगभग 4 से 5 दिन हो गए होंगे इस कटिंग को, मुझे ज़्यादा याद नहीं, हो सके एक हफ्ता भी हो गया हो। तो देखिए मैंने जो पुदीने की कटिंग लगाई थी उसके बाद इसमें इतनी अच्छी सी ग्रोथ आई। कुछ दिन तो मैंने इसे पानी में रखा, फिर उसके बाद जब इसकी जड़ें आ गई तो मैंने यहाँ लगा दिया। देखिए सारी कटिंग जो हमारी है सक्सेसफुल हो गई हैं। तो आगे मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा कैसे हम इसे पानी में इसकी जड़ें तैयार करते हैं। तो देखिए कितना ग्रीन जो है कि, और देसी पुदीना है तो इसमें देसी पुदीने में काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो हमारा लगभग जो है पुदीना तैयार हो चुका है। तो आज हमारा मन कर रहा है क्यों ना रायता बनाया जाए, तो मैं अभी यहाँ से आया हूँ अपने छत पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो बना के एक जानकारी दे दी जाए। तो अब मैं यहाँ से कुछ पुदीना निकालूंगा। तो देखिए काफ़ी इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी है, अगर आप इस पे हाथ भी फेर दे रहे हैं तो दोस्तों तो यही सब आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी वीडियो को कर दें। तो अब मैं यहाँ से कुछ पुदीना तोड़ लेता हूँ रायते के लिए, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो हमने दोस्तों पुदीना तोड़ लिया है, मुझे कैमरा रखना पड़ा। तो ये देखिए अब मैं जा रहा हूँ रायता आज बनाने। तो आज ठंडा ठंडा जो रायते में जब पुदीना पड़ेगा तो हमारे जो पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों बस वीडियो लाइक कर देना, मैं तो जा रहा हूँ अब रसोई में, अब हम बनाते हैं रायता चल के। तो इतना पुदीना बहुत है रायते के लिए, 4 से 5 लोगों के लिए बहुत है। तो आज घर का देसी पुदीना।